तो जी फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम अपने सब डॉग्स की जो है ना ब्रशिंग वगैरह करेंगे। फ्रेंड देखें, आराम से जो है ना ये ब्रशिंग कराती है, इनको मज़ा भी काफ़ी आता है। ब्रूटस साहब आ चुके हैं, शरीफ पीछे पीछे, कपड़ों के पास नहीं आना। और ये देखें जी, ये ऐसे ऐसे में ब्रश कर रहा हूँ ना, इसकी टांग को पता नहीं क्या हो रहा है। देखें, चेक करें जी फ्रेंड्स आप कैसे जो है ना सारे आगे आए हुए हैं। ठीक है, चलो शाबाश, चलो 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 इधर रुको। ये देखें जी फ्रेंड्स, अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम यहाँ शुरू करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम अपने सब डॉग्स की जो है ना ब्रशिंग वगैरह करेंगे, मतलब जो इनके ब्रश हैं ना उनसे से इनके जो बाल हैं ना ज़रा फिट कर देंगे, इनको अच्छा अच्छी एक लुक दे देंगे। ठीक है जी, तो अभी दिन का टाइम है, मैं ऊपर आया हूँ, तो अभी जी इनकी ब्रशिंग वगैरह जो है ना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले जी देखें, एक पप्पी यहाँ पे है, ठीक है, और ये जैनी हमारे पास यहाँ पे है, और साथ ही जाते जाओ ना बाहर तो ये आ जाता है जी अल्फा। ठीक है, अल्फा हमारा साहब जी यहाँ पे, इसको भी हमने अभी ब्रशिंग करनी है। सब डॉग्स को एक एक करके बाहर लेके आते हैं, ठीक है, पहले इनके जो है ना ब्रशिंग उठाते ब्रश उठाते हैं। फ्रेंड्स देखें, हमने एक और काम किया, यहाँ पर जो कूलर पड़ा था ना, यहाँ से हमने इसको उठा के जो है ना अपने स्टोर में रख दिया। पहले ये जो है ना जल्दी से ब्रश उठाते हैं, ठीक है, और फिर इनकी ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं। और इनकी भी फ्रेंड्स सब डॉग्स की हमने जो है ना आज ब्रशिंग करनी है अच्छी सी, ठीक है, और ऊपर भी हमने बाकी डॉग्स जो है ना ऊपर वाले छत पे छोड़े हैं, तो उनको भी ऊपर ही जाके उनकी भी ब्रशिंग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जी पप्पी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं जी स्टार्ट पप्पी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब डॉग्स के पास जो है ना जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं इस वाले पप्पी की जो है ना ब्रशिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह हमने जो है ना अच्छे तरीके से सब डॉग्स की करनी है ब्रशिंग, ताकि इनकी एक अच्छी लुक जो है ना नज़र आने को आए। ठीक है, ये जो है ना ब्रशिंग बिल्कुल नहीं करने देता, इसकी अभी देखते हैं कि यहाँ से चेक करें कैसी जो है ना लुक बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बस तो जी फ्रेंड्स इसकी ब्रशिंग हो गई है, चेक करें जी कैसी मज़े की जो है ना अब लुक आई है। और अब हम खोलते हैं जी अपनी प्यारी सी जैनी को, ठीक है, और इसकी ब्रशिंग करते हैं। जैनी आ जा, चला आ जा, बस खड़ी हो जा। फ्रेंड देखें, आराम से जो है ना ये ब्रशिंग कराती है, इनको मज़ा भी काफ़ी आता है। ये देखें जी, ठीक है, यहाँ से हम इसकी ऐसे ऐसे मज़े से जो है ना बाल बनाते जाएंगे हर जगह से। ठीक है, और ताकि इसकी अच्छे से कोट जो है ना आता जाए। ठीक है, ये देखें जी सीधे बाल जो है ना होते जा रहे हैं आराम आराम से। ठीक है, ये देखें नीचे फ्रेंड्स, हर जगह से जो है ना ब्रशिंग करने की ज़रूरत होती है, टेल भी। ओए इधर आ, इधर आ, चल बाहर ही आ जा, आ जा। देखें जी डरती इतना ज़्यादा है ना कि ये जो है ना अपने केज में चली जाती है। इधर आ जा बाहर आ, इसकी फ्रेंड्स अच्छी सी जो है ना ब्रशिंग करते हैं, बस चलो शाबाश, चलो 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 इधर रुको। ये देखें जी फ्रेंड्स, अभी खुद ही बैठ गई है, आराम से जो है ना ब्रशिंग कराने देती है, शुक्र है तंग नहीं करती इतना। जैनी कैसे हो हैं, ठीक? तो जी फ्रेंड जैनी की देखें जी अच्छी सी हमने एक ब्रशिंग कर दी और काफ़ी अच्छी इसकी जो है ना लुक आ गई है। टेल चेक करें जी, कितनी बड़ी जो है ना टेल लग रही है, काफ़ी बाल हैं। ये देखें, आराम आराम से मारते जाओ, ठीक है, और सीधी होती जाएगी। और फ्रेंड्स ब्रशिंग का फ़ायदा ये है, जो आपके पास जितने भी डॉग्स हैं कैट्स हैं ना, ख़ास तौर पर लॉन्ग कॉट डॉग्स जो होते हैं उनकी ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स इनके बाल सीधे होते रहेंगे ब्रश से तो इनका कोट अच्छा आएगा। हमने तो आगे जी डॉग शो में भी अपने डॉग्स को जो है ना लेके जाना है, तो इसी वजह से हम इनकी जो है ना ब्रशिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। मतलब 15-20 मिनट लगते हैं अच्छी सी इनकी ब्रशिंग होती है। देखें जी, अब जैनी फिट नहीं लग रही, देखें, ठीक है, तो आप चलते हैं ऊपर वाली जगह पर, मतलब ये आल्डो साहब आ गए हैं, ठीक है, आप चलते हैं ऊपर, और ऊपर वालों ने जो है ना तंग करना है, पर करते हैं जी उनकी भी जाके जो है ना ब्रशिंग अच्छी सी। जी फ्रेंड्स अभी ऊपर आ चुके हैं जी, देखें ये अपना होगी है, ठीक है, ये होगी है, और ये कैली और ये मैक्सी जी, ठीक है, आप लोगों को इनके कोट में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इनकी पीछे हो जा, क्योंकि इनकी जो है ना रेगुलर ब्रशिंग हो रही है। पीछे हो जा यार, होगी पास नहीं आना, चलो उधर। तो अभी एक एक को पकड़ते हैं जी और इनकी जो है ना ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं, और होगी चेक करें जी, फुल जो है ना जिन बन चुका है, ठीक है। और जी फ्रेंड्स अगला व्लॉग जो आएगा ना उसमें मैं आपको बताऊँगा जी, शो डॉग शो का जो है ना शेड्यूल फाइनली आ चुका है, तो अगले व्लॉग में मैं आपको वो सारा बता दूंगा, ठीक है, PKC का, PKU का, GSDCP जितने भी क्लब्स हैं ना उन सब का मैं आपको डॉग शो का शेड्यूल बता दूंगा कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा डॉग शो हो रहा है, ठीक है, कौन सी डेट को है। तो अगला व्लॉग जी ज़रूर देखना है, ठीक है, तो कल परसों तक आ ही जाएगा, तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप लोग भी अपने डॉग्स और डॉग्स वगैरह को लेके जो है ना पहुँच सकें। और ब्रूटस साहब आ चुके हैं, शरीफ पीछे पीछे, कपड़ों के पास नहीं आना, आज कपड़े पहन ही लिए हैं तो तंग नहीं करना। तो यहाँ पे जी हम इसकी ब्रशिंग जो है ना स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करते जाओ अच्छी अच्छी सी, ताकि इनका जो है ना फ्रेंड्स कोट आएगा तो ये जो है ना अच्छे लगेंगे। लॉन्ग कोट कोट में ही अच्छा लगता है, बाकी जो है ना बस किसी चीज़ में नहीं है। चलो जी, इसकी भी ब्रशिंग फ्रेंड्स मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, और बाकियों की भी जो है ना फ्रेंड्स अभी मैंने करनी है।
तो जी फ्रेंड्स अभी ब्रूटस की जो है ना ब्रशिंग होगी, और अब हमारे पास आ चुका है जी अपना ओगी किंग, ठीक है VP1। ये देखें जी अभी इसको हम इसको भी जो है ना अच्छी सी ब्रशिंग करते हैं। पीछे हो जाए तो फ्रेंड्स ये जो है ना इन डॉग शोज में भी खेलेगा, ठीक है। पीछे हो जाए यार, तंग करता है ना पीछे। चलें जी इसकी भी अच्छी सी ब्रशिंग करते हैं, इसका कोट चेक करें जी फ्रेंड्स। ये देखें कैसा मज़ेदार कोट है इसका, ठीक है। लॉन्ग कोट डॉग है हमारा, अच्छा बच्चा है जी। हैं होगी कैसे हो, ठीक हो? अच्छी सी इसकी जो है ना हम करते हैं ब्रशिंग फ्रेंड्स। और बाकी देखें जी कैसे दोनों बैठे हुए हैं, तीनों कैली भी, ब्रूटस भी और मैक्सी भी, सेम ही है। देखें जी ये चेक करें जी मैक्सी के काम, इसकी कैसी आदत है जो है ना ब्रश करवाने की। और ये देखें जी ये ऐसे ऐसे में ब्रश आ रहा हूँ ना, इसकी टांग को पता नहीं क्या हो रहा है। देखें तेज़ करूँगा लगता नीचे जो है ना खारिश होती। तो यहाँ से जी फ्रेंड्स इसकी हम अच्छी सी ब्रशिंग करते हैं, इसके बाल चेक करें जी कैसे हैं। मैक्सी चल उठा जा। ये देखें जी मैक्सी साहब कैसे हैं, काफ़ी दिनों के बाद जी मैक्सी इतनी करीब से नज़र आ रही। और बाकी चारों ये बैठे हैं पीछे, पास नहीं आना इनकी जी। अच्छी सी करते हैं ब्रशिंग, ये चेक करें जी। ये देखें कैसे जो है ना ब्रशिंग करवा रहे हैं। चलो जी बस, चलो शाबाश, बहुत अच्छे हैं जी। चलें जी, तो जी फ्रेंड्स आल्डो आ गया जी। अभी इसकी हमने जो है ना ब्रशिंग करनी है। बहुत तंग करते हैं इनको, जो है ना मारते रहो तो ठीक रहते हैं। बस ऑल्डो का भी कोट जी फुल जो है ना अच्छा हुआ है। पीछे इधर इधर चले मैक्सी, तू उधर। बहुत तंग करते हैं जी फ्रेंड्स। ये देखें ना अब जा ही नहीं रही है इधर, फिर लेट जी आके, क्या है क्या मसला, चल उठ जा बस कर, होगी ब्रशिंग। तो अभी इन सब की भी जी ब्रशिंग, बेला की और आल्डो की, ये देखें जी दोनों ये खड़े हैं, इन दोनों की रहेगी बस, इनकी भी अच्छी सी करते हैं और फिर चलते हैं जी नीचे, ठीक है जी। तो जी फ्रेंड्स अभी मैं देखें जी आल्डो की कर रहा हूँ ब्रशिंग, ठीक है। काफ़ी जो है ना इस मेल है अपना, ये भी इसकी अच्छा कोट है, बस ये तंग बहुत करता है, ठीक है। देखें जी कैसे इसके ऐसे जो है ना बाल सीधे होते जाएंगे। अब इसकी सारी जी ब्रशिंग करते हैं, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स अभी सब डॉग्स की जो है ना ब्रशिंग कर दी, अब हम नीचे जा रहे हैं जी। चेक करें जी फ्रेंड्स आप कैसे जो है ना सारे आगे आए हुए हैं, ठीक है। चलो वापस चले जाओ, चलो इधर नहीं आना किसी ने भी। चलो चेक करें जी कैसे सारे आए हुए हैं। तो जी फ्रेंड्स सब डॉग्स की जो है ना ब्रशिंग डन हो चुकी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज को ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आए, तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा। हालांकि मौसम ठीक है पर मेरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगला ब्लॉग जो है ना लाजमी देखने मजे का होगा। बाय बाय।